नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुर द्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है गाँव निर्मलपुर। वैसे तो इस गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहां ज्यादातर आबादी मुस्लिम वर्ग की है। 9 जून 2019 को रात के कोई 10:30 बजे का समय रहा होगा। उसी समय अचानक इसी गांव में रोहतास के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चीखने की आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि रोहतास का घर वैसे भी गाँव के पूर्व में बाहर की ओर था। लोगों ने सोचा कि रोहतास के घर में शायद बदमाश घुस आए हैं, इसलिए पड़ोसी अपनी अपनी छतों पर चढ़कर उसके घर की स्थिति का जायजा लेने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था, इसी वजह से कोई भी उसके घर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रोहतास के घर से लगा हुआ उसके छोटे भाई छत्तरपाल का मकान था। छत्तरपाल का बेटा सुनील प्रजापति अपने ताऊ के घर से चीख पुकार की आवाजें सुनकर समझ गया कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। जानने के लिए वो अपनी घर की छत पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक आदमी उसकी ताई पर लिपट रहा है। ये देखकर वो तैश में आ गया। वो फुर्ती से अपने घर की दीवार लांघकर ताऊ रोहतास के घर में जा पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वो डर के मारे थर्रा गया। उस समय उसने देखा कि उसके ताऊ रोहतास के हाथ में कैंची है, जिससे वो ताई को मारने की कोशिश कर रहा था। वो उसी कैंची से अपने चारों बच्चों को पहले ही लहूलुहान कर चुका था। अपने सामने खड़े शैतान बने ताऊ को देखते ही उसे डर तो लगा, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और फुर्ती दिखाते हुए उसने अपने ताऊ को दबोच लिया। उसने ताकत के बल पर उसके हाथ से वो कैंची छीन भी ली और नीचे फेंक दी। सुनील की हिम्मत को देखकर पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। उसी दौरान रोहतास वहां से फरार हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने देखा कि उसके चार बच्चे 18 साल की सलोनी, 16 साल की शिवानी, 14 साल का बेटा रवि और सबसे छोटा 10 साल का बेटा आकाश पूरी तरह से लहूलुहान पड़े हुए चीख रहे थे। उनकी नाजुक हालत देखते हुए गाँव वालों के सहयोग से सुनील ने उन्हें ठाकुर द्वारा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। रवि को देखते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीनों बच्चों की बिगड़ी हालत को देखते ही डॉक्टरों ने उन्हें काशीपुर के अस्पताल रेफर कर दिया। काशीपुर में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दो बच्चों की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। अगले दिन ही सोमवार को इस मामले के सामने आते ही ठाकुर द्वारा पुलिस ने काशीपुर पहुंचकर घायल बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने रोहतास की पत्नी कलावती से जानकारी हासिल की। पुलिस पूछताछ में कलावती ने बताया कि उसका पति रोहतास शराब पीने का आदी था। वो अपनी कमाई के ज्यादातर पैसे शराब पीने में ही खर्च कर देता था। वो और उसके बच्चे जब कभी भी उससे खर्च के लिए पैसे की मांग करते तो वो पैसे देने के बजाय उन्हें मारने पीटने पर उतारू हो जाता। कलावती ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम जब पति देर रात घर लौटा तो काफी नशे में था। खाना खाकर सभी लोग छत पर सो गए। रात में उठकर रोहतास ने गहरी नींद में सोए बच्चों पर कैंची से हमला करना शुरू कर दिया। उसने चारों बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी आंतें तक बाहर निकल आई। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर कलावती जाग गई। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो वो उस पर भी कैंची से हमला करने लगा। उसी दौरान किसी तरह सुनील आ गया। यदि वो नहीं आता तो बच्चों की तरह वो उसका भी यही हाल कर देता। पुलिस ने रोहतास के भाई विजयपाल सिंह की तहरीर पर रोहतास के खिलाफ हत्या और हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह ही कर रहे थे। कलावती से पूछताछ करने के बाद कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह को पता चला कि रोहतास के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। कलावती के पास बच्चों का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए कोतवाल ने उसी समय घायल बच्चों के इलाज के लिए 50,000 रुपए की मदद कलावती को की। उन्होंने 50,000 रुपए कलावती के खाते में डलवा दिए। घटना को अंजाम देने के बाद से ही रोहतास फरार हो गया था।
उसका पता लगाने के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमें रोहतास को हर संभव स्थान पर खोजने लगी, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। इस केस की गहराई तक जाने के लिए पुलिस ने रोहतास के परिजनों के साथ साथ उसके कुछ खास रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जिसके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ सके। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि रोहतास काफी दिनों से परेशान दिख रहा था। उसे तांत्रिक के पास चक्कर लगाते भी देखा गया था। तांत्रिक का नाम सामने आते ही पुलिस ने कयास लगाया कि कहीं यह सब मामला तांत्रिक से ही तो जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस ने उसकी बीवी कलावती से इसके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे किसी के द्वारा जानकारी तो मिली थी कि वो आजकल किसी तांत्रिक के पास जाता है, पर क्यों जाता है ये उसे पता नहीं। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि रोहतास अक्सर किसी खजाने के मिलने वाली बात कहा करता था। उसने गांव के कई लोगों के सामने कहा था कि उसे बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, उस खजाने के मिलते ही उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था कि उसे खजाना किस तरह से मिलने वाला है। तांत्रिक की बात सामने आते ही पुलिस के सामने थाना डिलारी की घटना सामने आ गई। अब से लगभग 15 साल पहले थाना डिलारी के गांव कुरी में तांत्रिक के कहने पर एक आदमी ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को गड़ा खजाना पाने की लालसा में इसी तरह से मौत की नींद सुला दिया था। अब पुलिस टीम उस तांत्रिक को खोजने लगी जिसके पास रोहतास जाता था, पर काफी प्रयास करने के बाद भी तांत्रिक का पता नहीं चला। इसके साथ पुलिस ने आरोपी रोहतास की तलाश में आसपास के गांवों में छापे मारे, लेकिन कहीं भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके फोटो लगे पोस्टर छपवाकर अलग अलग गांव और जिले के कई थानों में लगवा दिए थे, जिसमें इनाम की भी घोषणा की गई थी। पुलिस की टीमें अपने कामों में जुटी थी। उधर अस्पताल में भर्ती रोहतास के दूसरे बेटे आकाश ने भी दम तोड़ दिया था। इस सूचना से सारे गांव में मातम सा छा गया। कलावती पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा था। उसके 4 बच्चों में 2 लड़के थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक बेटी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। उस दिन शुक्रवार की देर शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहतास निर्मलपुर के जंगलों में छिपा है। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ जंगलों में पहुंचे और घेराबंदी करके रोहतास को जंगल से अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रोहतास से पूछताछ की तो उसने इस वारदात के पीछे की जो कहानी बताई वो बड़ी ही अजीबोगरीब निकली। जिला मुरादाबाद के कस्बा ठाकुर द्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव निर्मलपुर में रोहतास अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी कलावती के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। रोहतास टेलरिंग का काम करता था। उसके पास खेती की 2.5 बीघा जमीन भी थी। बच्चों को पढ़ाने की खातिर उसे ज्यादा पैसे कमाने की इतनी धुन थी कि टेलरिंग के काम के साथ साथ वो गांव में चौथाई पर जमीन लेकर उसमें भी खेती कर लेता था। कई साल पहले की बात है, रोहतास का अपने घर वालों से जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें कलावती ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रोहतास ने अपने घर वालों से बोलना शुरू कर दिया। ये बात कलावती को बहुत बुरी लगी। कलावती ने पति की इस बात का विरोध किया, लेकिन रोहतास ने पत्नी की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसी बात पर रोहतास और कलावती के बीच झगड़ा होने लगा। उन दोनों के पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो गई। रोहतास पहले कभी कभार शराब पीता था, लेकिन पत्नी से कलह होने के बाद वो शराब का आदि हो गया। उसने शुरू में टेलरिंग का काम सूरजनगर कस्बे में शुरू किया था, लेकिन शराब का आदि हो जाने के बाद उसने अपने गांव के पास स्थित कालेवाला में अपना काम शुरू कर दिया। रोहतास के 4 बच्चे स्कूल जाने लगे थे, जिसके बाद उनकी पढ़ाई और खान पान व अन्य खर्चे बढ़े तो रोहतास को आर्थिक तंगी हो गई। कालेवाला में उसने काम शुरू किया तो वहाँ काम जमने में काफी समय लग गया, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगा। उन्हीं बढ़ते खर्चों की वजह से उसे बीवी बच्चे भार लगने लगे थे। जब कभी भी कलावती या बच्चे उससे पैसों की मांग करते तो वो झुंझला उठता और गुस्से में उन्हें डांट दिया करता था। कलावती उसे शराब पीने को मना करती थी, लेकिन वो पत्नी की नहीं सुनता था। इस बात से दुखी होकर कलावती ने ये बात अपने भाई लखू को बताई। एक दिन लखू कल्याणपुर निवासी अपने बड़े बहनोई को लेकर गांव निर्मलपुर पहुंचा। उन दोनों ने रोहतास को समझाने की कोशिश की
तो रोहतास ने कलावती में ही तमाम खामियां गिना दी। उस समय भी उसने कहीं भी अपनी गलती नहीं मानी थी। उनके जाने के बाद रोहतास ने पत्नी को आड़े हाथों लिया। उसके बाद तो रोहतास ने शराब पीने की अति ही कर दी। वो सुबह ही घर से काम पर जाने की बात कहकर घर से निकल जाता और देर रात नशे में धुत होकर घर आता। ज्यादा शराब पीने से उसका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से उसके मन में हीन भावना पैदा हो गई थी। एक बात और, वो खुद को नामर्द भी समझने लगा था। अपने इलाज के लिए वो कई नीम हकीमों से भी मिला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब हकीमों से दवा लाने वाली बात कलावती को पता चली तो उसने उसे दवा लाने से मना कर दिया। इसके बाद तो उसे अपनी पत्नी पर पूरा शक हो गया था कि उसके संबंध उसके जीजा के साथ है, इसी वजह से वो उसे दवा लाने से मना करती है। रोहतास की बेटियां काफी समझदार हो चुकी थी, लेकिन उन्हें पढ़ाई करने की इतनी धुन थी कि उन्हें मोबाइल वगैरह से कोई लगाव नहीं था। 6 सदस्यों वाले इस घर में केवल एक ही मोबाइल था, जो रोहतास के पास ही रहता था, जिसकी वजह से कलावती के किसी भी रिश्तेदार का फोन उसी के मोबाइल पर आता था। कलावती की सबसे बड़ी मजबूरी यही थी कि उसे जब किसी भी रिश्तेदार से बात करनी होती तो वो या तो सुबह ही कर सकती थी या फिर शाम को। और रोहतास में सबसे बड़ी कमी थी कि वो घर आकर किसी के फोन आने की बात अपनी पत्नी को नहीं बताता था। कई बार कल्याणपुर निवासी उसके साढ़ू ने उसकी बीवी और बच्चों से बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रोहतास हमेशा ही कह देता था कि अभी वो बाहर है, घर जाकर बात करा देगा। घर जाने के बाद भी वो कोई ना कोई बहाना करते हुए साढ़ू की बात नहीं कराता था। रोहतास अपने साढ़ू को गलत मानकर उससे चिढ़ने लगा था। फिर साढ़ू का बार बार फोन आने से उसे शक हो गया कि उसकी बीवी के उसके साथ अवैध संबंध है, तभी तो वो बार बार उससे बात करना चाहता है। विगत होली पर जब रोहतास के रिश्तेदार उससे मिलने आए तो उन्होंने कलावती से शिकायत की कि वो उनसे फोन पर भी बात नहीं करती। तब कलावती को पता चला कि रिश्तेदारों ने उससे बात कराने के लिए रोहतास को कई बार फोन किया था, पर उसने जानबूझकर उसकी बात नहीं कराई। इस पर कलावती बौखला उठी। उसने पति को उल्टी सीधी सुनाते हुए अपना एक अलग मोबाइल दिलाने की बात कही। इस बात को भी रोहतास ने अपने साढ़ू से जोड़ते हुए सोचा कि वो जरूर अपने जीजा से बात करने के लिए ही अलग मोबाइल मांग रही है, यानी उसके दिमाग में सक्का कीड़ा और भी बलवती हो उठा। मोबाइल दिलाने की बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। बात इतनी बिगड़ी कि गुस्से में आकर रोहतास ने अपना भी फोन तोड़ दिया। उसके बाद उसने पत्नी को हिदायत दी कि वो भविष्य में अपने जीजा से बात ना करे, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहतास की ये धमकी सुनकर कलावती ने इसकी शिकायत अपने भाई लखू से कर दी। लखू ने फिर से अपने जीजा रोहतास को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहतास पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। साले के घर से जाते ही रोहतास ने पत्नी से झगड़ा किया, साथ ही उसने उससे घर छोड़कर चले जाने को भी कह दिया। इस पर दोनों में तकरार बढ़ गई। इसी तूतू मैमे के बीच कलावती ने पति से कहा कि ये घर छोड़कर तो तुम्हें चले जाना चाहिए, ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है। रोहतास छोटी सोच का इंसान था। उसने कलावती की बात को दूसरे नजरिए से देखते हुए अर्थ लगाया कि बच्चे भी उसके नहीं तो जरूर उसके साढ़ू के ही है। कलावती की बात सुनते ही वो अपना आपा खो बैठा। उसके मन में एक बात की गलतफहमी बैठी तो वो शैतान बन बैठा। वो उस दिन के बाद से बीवी और बच्चों का दुश्मन बन गया। रोहतास अपने चारों बच्चों को उचित शिक्षा दिला रहा था ताकि उनकी कहीं सरकारी नौकरी लग सके। उनकी पढ़ाई के लिए ही उसने दिन रात एक करके काफी पैसा कमाया था। अपने सपने को साकार करने के लिए जितनी मेहनत उसने की थी उससे कहीं ज्यादा उसके बच्चे कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी सलोनी इस समय बीए फर्स्ट ईयर में थी और मंजरी शिवानी कक्षा 12 में पढ़ रही थी। उसका बेटा रवि गांव गोपीवाला के जनता इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में तथा सबसे छोटा आकाश यहीं पर कक्षा 7 में पढ़ रहा था। बीवी और बच्चों के प्रति उसके दिल में नफरत पैदा होते ही उसके दिल में शैतान पैदा हो गया। उसने प्रण किया कि अगर ये चारों बच्चे उसके साढ़ू के हैं तो वो सभी को खत्म कर देगा। इसके बाद वो हर रोज ही अपनी बीवी और बच्चों को मौत की नींद सुलाने के लिए नए नए प्लान बनाने लगा, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस दर्दनाक हादसे को अंजाम देने से 2 दिन पहले
रोहतास उस रोज दुकान पर जाने के लिए घर से निकला, लेकिन इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि बीवी और बच्चों को किस तरह से मौत की नींद सुलाया जाए। वो दुकान जाने के बजाय दारू पीने के लिए इधर उधर ही भटकता रहा। 16 जून 2019 को शाम को वो जिस समय अपने घर पहुंचा तो उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। इसके बावजूद भी उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया। वो खाना खाकर छत पर जाकर सो गया। इसके बाद कलावती ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और घर का काम निपटाकर वो भी छत पर सोने के लिए चली गई। उसके 3 बच्चे छत पर सोए थे, जबकि बड़ी बेटी शिवानी उस रात नीचे घर में ही सोई थी। रात के 10 बजे सभी सो चुके थे, लेकिन उस रात रोहतास की आंखों में खून बरस रहा था। वो काफी समय से सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। उस रात उसने घर आते ही सबसे पहले अपनी बड़ी कैंची का नटबोल्ट खोलकर 2 भागों में कर ली। उसका एक हिस्सा चाकू की तरह हो गया था। कैंची के एक हिस्से को उसने रात के सोते समय अपने सिराने पर रख लिया था। जब उसकी बगल में लेटी बीवी नींद में खर्राटे भरने लगी तो उसके अंदर बैठा शैतान जाग उठा। वो अपने बिस्तर से उठा और सीधा दूसरी छत पर सोए 3 बच्चों के पास पहुंच गया। उसने आओ देखा ना ताओ शैतान बन करके कैंची के एक भाग से बच्चों पर तबा तोड़ वार करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते बच्चे चीख पुकार मचाने लगे। बहन भाइयों की चीख सुनकर जैसे ही शिवानी जीने पर आई तो रोहतास ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही कलावती उसे बचाने के लिए पहुंची तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक उसका भतीजा सुनील शोर शराबा सुनकर वहां पर आ गया था, जिसकी वजह से कलावती मौत के मुंह में जाने से बच गई। रोहतास का पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा था। पुलिस ने कैंची का वो भाग भी बरामद कर लिया था जिससे उसने बच्चों पर हमला किया था। रोहतास से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे मुरादाबाद की कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। रोहतास की पत्नी कलावती ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसके 4 बच्चे रोहतास के हैं। कलावती ने पुलिस को बताया कि अगर उसे मेरे चरित्र पर शक था तो मुझे ही मारना चाहिए था, मैं तो उसके पास ही सो रही थी। गांव में इस मामले को लेकर चर्चा थी कि रोहतास ने गड़ा खजाना पाने के लिए ही किसी तांत्रिक के कहने पर यह कांड किया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।